दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही कई पथों का निर्माण हो रहा है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये श्री राम जन्मभूमि पथ का है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्री राम जन्मभूमि पथ का निर्माण हो रहा है और इस हिसाब से इस पथ का निर्माण किया जा रहा है ताकि यहाँ पर आने वाले किसी भी राम भक्त किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। हालांकि राम जन्मभूमि पथ का निर्माण इस हिसाब से किया जा रहा है ताकि हजारों की संख्या में राम भक्त रामलला के दरबार में आ जा सकें और उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, भीड़ का सामना न करना पड़े और लोग सहजता सरलता और सुगमता से वहां पर पहुंच सकें। तो दोस्तों अयोध्या में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राम पथ भक्त पथ धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ साथ ही प्रस्तावित है लक्ष्मण पथ, पांच पथों का निर्माण किया जा रहा है जिसमें से चार का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है और एक जो लक्ष्मण पथ है वो अभी प्रक्रिया में है। आप ये जो दृश्य देख रहे हैं ये श्री राम जन्मभूमि पथ है और इसका निर्माण कार्य कितना तेज़ी से हो रहा है आप ये देख सकते हैं। चूँकि 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित होंगे और ऐसे में हजारों की संख्या में जो है वो हमारे मेहमान अयोध्या आएंगे और लाखों राम भक्त अयोध्या पहुँचेंगे, तो ऐसे में किसी भी तरह से किसी को कोई परेशानी ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए इस पथ का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों अयोध्या में बनने वाले सभी पथ अपने आप में खास हैं लेकिन जो एक विशेष रूप से इस पथ का निर्माण किया जा रहा है वो श्री राम जन्मभूमि पथ है। चूँकि ये रामलला का जो है पथ है, रामलला के मुख मंदिर जाने का पथ है, इसलिए यहाँ पर विशेष तौर पर एहतियात और सावधानी बरती जा रही है। आने वाले समय में देश विदेश के राम भक्त जब अयोध्या राम मंदिर में रामलला का दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे तो यहां पर भीड़ की आशंका काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से इस पथ का निर्माण हो रहा है उससे ये कहा जा सकता है कि यहां पर किसी भी तरह की भीड़ की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, जिसकी वजह है कि पथ ही इतना लंबा और चौड़ा है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में एक साथ राम भक्त रामलला के दरबार में जा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इसका रूप जो है और स्वरूप एक बेहद खास ढंग से दिखाई पड़ रहा है और जो तस्वीर उभर करके सामने आ रही है उससे कहा जा सकता है कि जब ये पथ पूर्ण रूपेण निर्मित हो जाएगा तो किस तरह का नज़ारा इस श्री राम जन्मभूमि पथ का होगा। दोस्तों इस पथ पर यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, निःशुल्क लाकर की व्यवस्था होगी, पेयजल की व्यवस्था होगी, टॉयलेट की व्यवस्था होगी और साथ ही व्हीलचेयर की व्यवस्था होगी, आरती पास बनवाने की व्यवस्था होगी, यानी कि राम मंदिर से संबंधित और यात्रियों की सुविधा से संबंधित हर प्रकार की सुविधाएं यहां पर जो है वो उपलब्ध होंगी इस पथ पर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितना दिव्य और भव्य ये श्री राम जन्मभूमि पथ बनाया जा रहा है। हालांकि जो इस पथ का निर्माण हो रहा है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये शीघ्र ही निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा ताकि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन से काफ़ी पहले ही ये मार्ग बन करके तैयार हो जाए और जो यात्री हैं वो यहाँ से आ करके रामलला का दर्शन पूजन कर सकें। तो दोस्तों आप देखिए कि किस तरह से इतनी भव्य तस्वीर जो है वो उभर करके सामने आ रही है श्री राम जन्मभूमि पथ की। दोस्तों मौजूदा समय में ये वो पॉइंट है श्री राम जन्मभूमि पथ का जहाँ से आप देख सकते हैं कि पीछे हल्का सा आपको श्री राम जन्मभूमि मंदिर दिखाई पड़ रहा होगा। दोस्तों ये श्री राम जन्मभूमि पथ का अंतिम पड़ाव है, यहीं से जो है श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए एंट्री किया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पॉइंट को बेहद खूबसूरत और भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है, कार्य किया जा रहा है। तो बोलिए जय श्री राम।